कैसे आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा नोखा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों की खेल दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रतिवर्ष हम 29 अगस्त को भारत के अंदर खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त के दिन ही खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन से कारण छिपे हैं, तो इन मुद्दों पर आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, सभी का मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक सभी प्रकार का विकास होता है। इसलिए सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस शिक्षण संस्थान की ओर से ये अपने निर्देश दिया जाता है कि खेल से ज़्यादा हम लोगों को जुड़ना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों, जब हम खेल से जुड़ते हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास बहुत उच्च स्तर का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम में रोग विकार, रोग जैसा शब्द जो है वो खेल की दुनिया से बहुत दूर होता है। क्योंकि जहाँ डिजीज की बात आती है, रोग की बात आती है, और खेल दोनों आपस के एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति खेल को अपनाता है उससे कोसों दूर डिजीज रहता है, रोग काफ़ी दूर रहता है। दोस्तों, आजकल अगर हम बात करें खेलों में, जो भी हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के, उसका आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उनसे हमें खेल क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है पूरे विश्व के अंदर जहाँ से हमें सीधा जो है सरकारी जॉब मिलती है। और दोस्तों, जो व्यक्ति, जो महिलाएं, जो पुरुष, जो युवा सीधे खेल कोटे से लगते हैं, उनको भी उस जॉब में कोई कार्य नहीं करना होता है, मात्र वो जॉब उनके पास होती है, उनका काम खेल से ही जुड़ा रहता है। प्रतिदिन उनको सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है, खेल से ही जुड़ना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और काफ़ी अच्छी पेमेंट भी मिलती है। लेकिन वो मिलती जब है जब आप नेशनल या फिर स्टेट लेवल के प्रमाण पत्र के साथ सरकारी जॉब को प्राप्त कर लेते हैं। तो खेल के क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करने से आपको सीधा सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आज है 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही हम भारत के अंदर खेल दिवस क्यों मनाते हैं, इसलिए हमें अब बात करेंगे हॉकी के जादूगर के नाम से जाने वाले मेजर ध्यानचंद की। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद नाम तो आपने सुना ही होगा, इनके बारे में कुछ अनसुने तथ्य भी आज के वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, यूपी के अंदर इनका जन्म होता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का जन्म राजपूत परिवार के अंदर हुआ था। शुरुआत में मेजर ध्यानचंद जी की खेल में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी खेलने की जन्मजात रुचि नहीं थी। मेजर ध्यानचंद शुरुआत के अंदर खेलों से काफ़ी दूर थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। पहली बार 1922 ईस्वी के अंदर मात्र 16 वर्ष के लड़के, जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, ने फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट थी, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का टाइम था, तो उसको ज्वाइन किया था, और वहाँ पर भी एकमात्र सामान्य से सिपाही के रूप में वो कार्य करते थे। मेजर ध्यानचंद शुरुआत के अंदर सिपाही के रूप में कार्य करते थे, और 1922 तक भी खेल के क्षेत्र में उनकी अधिक रुचि नहीं थी। लेकिन उसके बाद 1922 से 1926 के बीच में मेजर ध्यानचंद जो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट थी उनकी प्रतियोगिता के अंदर ही हॉकी खेला करते थे। अब जब शुरुआत में उनकी खेल में रुचि नहीं थी, तो अचानक हॉकी खेलने में उनकी रुचि कैसे जगी? अपने सतत प्रयास, संघर्ष और कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने कम टाइम में अपने आप को प्रिपेयर किया, और जो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट थी उनकी प्रतियोगिता में 1922 से 26 के बीच में हॉकी खेला करते थे। कहा जाता है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी जब चलती थी तो ऐसे लगता था कि दूर कोसों आग लगी हो, क्योंकि उनकी हॉकी जो थी वो ग्राउंड में आग लगा देती थी। इसलिए मेजर ध्यानचंद की हॉकी के बारे में कुछ अनसुने तथ्य भी हमारे सामने आते हैं। कई जगह मेजर ध्यानचंद की हॉकी को जादुई हॉकी बताया गया।
एक बार हॉलैंड में मैच चल रहा था तब मेजर ध्यानचंद की हॉकी को चेक किया गया और उसको इसका जो स्टिक था हॉकी में दोस्तों स्टिक लगता है और उसमें ये संभावना व्यक्त की गई थी कि इसमें चुंबक लगी हुई है, इसलिए जो शॉट है और उस शॉट जो है जब मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे तो वो गोले के लिए पार ही जाती थी, इसलिए हॉलैंड प्रतियोगिता में इनकी हॉकी को चेक किया लेकिन मिला कुछ नहीं। हॉकी खेलने की एक नई कलाएँ जो विश्व के अंदर भारत का परचम लहराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेजर ध्यानचंद के समय ही उभरी थी। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी के स्टिक लगाते थे तो प्रतिद्वंदी को ये आशंका होती थी कि ये स्टिक जो है वो कहाँ जाने वाला है, शॉट कहाँ जाने वाला है। कहते हैं कि अपने जीवन काल के अंदर मेजर ध्यानचंद ने 1000 से अधिक गोले किए थे। दोस्तों मेजर ध्यानचंद का पहला जो मुकाबला था, पहली बार जब वो अपनी रेजिमेंट से बाहर खेलने गए थे 13 मई 1926 को न्यूजीलैंड के अंदर मेजर ध्यानचंद का पहला मुकाबला था। मेजर ध्यानचंद इस न्यूजीलैंड मुकाबला जिसमें 21 मैच न्यूजीलैंड के अंदर इंडिया की तरफ से खेले गए थे जिसमें से 2 मैच जो थे वो जो है अनिर्णायक घोषित कर दिए थे और 18 मैच जो थे वो इंडिया जीत गई थी और जिसमें सबसे बड़े पार्टिसिपेट के रूप में थे मेजर ध्यानचंद। पहली बार इंडिया की तरफ से जब अंग्रेज भारत पर शासन किया करते थे उसी टाइम इंडिया की तरफ से एक प्रतियोगिता है जो ओलंपिक्स खेल थे दोस्तों एम्स्टर्डम में 1926 ईस्वी के अंदर 1926 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स खेलों का आयोजन हो रहा था। उसी एम्स्टर्डम में 1926 ईस्वी के अंदर पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया था। एम्स्टर्डम के अंदर भारतीय टीम इस प्रकार से कह ली कि पहली बार हॉकी के क्षेत्र में 1926 ईस्वी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता और भारत जो थी वो एक विश्व की उभरी हुई टीमों में से अपने आप में नाम, क्योंकि एम्स्टर्डम के अंदर हॉकी का फाइनल मैच जीतना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और पहली बार मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व के अंदर भारतीय टीम ने गोल्ड जीता था। ये जो दोस्तों एम्स्टर्डम के अंदर 1926 के अंदर ये मुकाबला था उसका फाइनल जो था वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में था और भारत और हॉलैंड के बीच में था और हॉलैंड को भारत ने 3.0 से हरा दिया था। तो इस प्रतियोगिता के साथ ही भारत विश्व की टीमों में और टीमों की सूची में शामिल हो गई क्योंकि वहां से भारत को विश्व विजेता घोषित किया गया था 1926 के अंदर। उसके बाद दोस्तों 2 साल के बाद लॉस एंजलिस USA के अंदर 1928 के अंदर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन हुआ। उस टाइम भारतीय टीम मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व के अंदर फाइनल जो मुकाबला था वो USA और इंडिया का था और भारतीय टीम ने USA को इस प्रकार हरा दिया था कि USA के बहुत सारे राइटरों ने ये बात कह दी थी कि मेजर ध्यानचंद की जो हॉकी है वो एक जादू हॉकी है। कई बार मेजर ध्यानचंद की हॉकी पर सवाल उठे हैं। आज तक जितने भी खिलाड़ी हुए हैं इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल जवाब अगर किसी पर हुए हैं तो वो है मेजर ध्यानचंद, लेकिन हर बार हॉकी को चेक किया जाता था, मिलता कुछ नहीं था क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद की अपनी हॉकी खेलने की कला थी। लॉस एंजलिस के अंदर USA को इंडिया ने 24-1 से हराया था, बहुत बड़ी हार USA की हुई थी। दोस्तों उसके बाद कई बार सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने मेजर ध्यानचंद और हिटलर का नाम तो सुन रखा होगा कि दोनों की क्या मुलाकात हुई थी। 1936 ईस्वी के अंदर जो ओलंपिक्स थे 1936 ईस्वी में दोस्तों जो ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे बर्लिन के अंदर। बर्लिन जर्मनी में पड़ता है दोस्तों। जर्मनी उस टाइम अपने आप में काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में था क्योंकि उस टाइम जर्मनी जिसके नेतृत्व में था उनका नाम था रुडोल्फ हिटलर सिद्ध की जिदी। इनका पूरा नाम है दोस्तों, हिटलर हम नाम बोलते हैं इनका लेकिन पूरा नाम इनका मिलता है रुडोल्फ हिटलर सिद्ध की जिदी। इनके नेतृत्व के अंदर जर्मनी विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। उसी टाइम जब बर्लिन के अंदर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन हो रहा था और मेजर ध्यानचंद की जादुई हॉकी के कायल हो चुके थे हिटलर, इसलिए भारतीय सामान्य सिपाही को हिटलर ने जर्मनी आर्मी का सर्वोच्च पद देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन फिर भी मेजर ध्यानचंद अपने देश के प्रति समर्पित थे। उन्होंने कहा, मैं भारत के छोटे से सिपाही के रूप में काम करने को तैयार हूँ,
लेकिन जर्मनी का सर्वोच्च पद मेरे लिए बेकार है। अगर मैं खेलूंगा तो भारत की तरफ से ही खेलूंगा, जर्मनी की तरफ से नहीं। इतने बड़े उस टाइम जो हिटलर का नाम से दूर दूर लोग कांपते थे, उनको चुनौती देना और उनका जो है प्रतिद्वंदी बनना मेजर ध्यानचंद का साहस था, इंडिया का प्यार था। लेकिन दोस्तों जो 1936 के अंदर ये मैच हुआ था वो काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी आकर्षक मैच था, क्योंकि 1936 के अंदर बर्लिन में जो ओलंपिक्स थे उसके फाइनल में एक तरफ विश्व की जानी मानी हस्तियों की टीम जर्मनी और दूसरी तरफ भारतीय टीम थी। मैच ये 14 अगस्त 1936 को होना था, लेकिन 14 अगस्त के दिन काफ़ी भारी बारिश हुई थी और उस भारी बारिश के कारण मैच जो है 14 अगस्त को नहीं हो पाया। मैच होना था आगे वाले दिन मतलब 15 अगस्त 1936 में। किसको पता था कि 15 अगस्त के दिन ही भारत आज़ादी की जो हवाएं हैं उसमें विचरण करेगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने अपने बुक्स में लिखा है कि जब हम 14 अगस्त को भारी बारिश के होने के कारण मैच नहीं खेल पाए, तो लास्ट समय में हमने जर्मनी के साथ फ्रेंडली मैच खेला था दोस्तों। फाइनल मैच से पहले जो फ्रेंडली मैच उन्होंने खेला था अपनी एक्सरसाइज के लिए जर्मनी के साथ, जर्मनी के खिलाड़ियों के साथ, तो उस टाइम 14 अगस्त वाले दिन जो भारी बारिश होने की वजह से मैदान काफ़ी गीला था, मिट्टी वगैरह काफ़ी खिलरी हुई थी, तो भारतीय जो खिलाड़ी थे उनमें एक निराशाजनक माहौल बना हुआ था। और दूसरी बात, जर्मनी इतनी शक्तिशाली उस टाइम टीम थी, उसका मुकाबला करना भारतीय जो खिलाड़ी थे उनको थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा था, निराशाजनक भाव था। इसलिए पहली बार इनका जो फ्रेंडली मैच हुआ था जर्मनी के साथ, उस मैच में 14 अगस्त वाले दिन ये मैच जो थे वो भारत हार चुका था, क्योंकि ये सामान्य कोई मैच नहीं था। फाइनल मैच 15 अगस्त को आगे वाले दिन होना था, 14 अगस्त को रिहर्सल के लिए एक छोटा सा अभ्यास के लिए मैच हुआ था जिसमें जर्मनी जीती थी और इंडिया हार गई थी। कहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी इन छोटी सी अभ्यास मैच में हार के कारण काफ़ी निराशाजनक थी। एक दूसरा मैदान गीला था, तीसरा जमीन जो थी वो बर्लिन की थी, और चौथा हिटलर जो उस टाइम का बहुत ही तानाशाह शासक था, तो सारे पक्ष जो थे वो जर्मनी की साइड भारत को दिखाई दे रहे थे। तो भारतीय जो खिलाड़ी थे उनको निराशाजनक देखते हुए मेजर ध्यानचंद का काफ़ी जाना माना एक दोस्त था और भारतीय टीम के कप्तान मेजर गुप्ता को खिलाड़ियों को देखकर ये एहसास हो गया था कि खिलाड़ी जो है वो अपने आप में कुछ घबराए हुए हैं, उनमें भय है, डर है, उसको दूर कैसे किया जाए। तो मेजर गुप्ता के दिमाग में एक सोच विचार आता है, इसलिए वो सभी खिलाड़ियों को रात के टाइम ड्रेसिंग रूम में ले जाता है और ड्रेसिंग रूम में ले जाने के बाद सभी खिलाड़ियों को भारत का तिरंगा झंडा है वो थमाया जाता है और मेजर गुप्ता के द्वारा बोला जाता है कि ये तिरंगा जो है वो आप सभी की लाज है, भारत का तिरंगा आप सभी का, इसकी लाज आप ही रख पा रहे। तो ये कुछ विचार, कुछ मोटिवेशनल लाइनें सुनाकर मेजर गुप्ता ने भारतीय जो खिलाड़ी थे उनमें जोश भरने का काम किया। भारतीय खिलाड़ी उस जोशीले भाव से 15 अगस्त 1936 को बर्लिन के मैदान में उतरे और दोस्तों इस प्रकार उतरे कि बर्लिन को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जो फाइनल मैच हुआ था दोस्तों उसके अंदर बर्लिन जो है 8-1 से, जो जर्मनी थी वो 8-1 से हार गई और इंडिया 8-1 से विजित घोषित हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों 1926, 1928 और 1936 के अंदर लगातार ओलंपिक्स में भारत हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीतता रहा, जिसके बाद भारत जो है वो हॉकी के अंदर विश्व विख्यात टीमों में से एक टीम हो गई। ये मेजर ध्यानचंद की जादुई हॉकी थी।